नमस्ते सलाम का सगा पीपल व्हाट्स अप आई होप यू आर वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो आज हम एक वन डे पिकनिक के लिए जाने वाले हैं और जहां मैं जा रहा हूँ ना वो एक प्रॉपर पिकनिक स्पॉट है और एक एडवेंचर स्पॉट भी है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। मतलब मैंने जब पिक्चर्स में देखा एंड वीडियोस में भी देखा आई वॉज लाइक ये जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हो ये ठाणे में है एंड इट्स क्वाइट अ प्लेस आ क्वाइट अ हैपनिंग प्लेस। मतलब अभी सुबह सुबह तो बहुत हार्डली गिने चुने लोग हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 7 बजे घर से निकला हूँ एंड आई नो स्लीपी लग रहा हूँ बट आगे वीडियो में देखते रहो क्योंकि नींद उठने वाली है, बहुत ज़्यादा उड़ने वाली है तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, आपको इस सफ़र पे लेके चलता हूँ। तो मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। दिस टुक मी अराउंड 1.5 आवर फ्रॉम कांदिवली बट अगर तुम थाने से आ रहे हो तो आई थिंक तुम्हें 40 मिनट्स लगना चाहिए मैक्स। नाउ आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू गो इनसाइड और देखते हैं कि क्या क्या है अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू एंटर और सबसे पहले वो तुम्हें यहाँ पे लेके जाएंगे कंट्रोल रूम में। यहाँ पे वो तुम्हें ऐसा वाला बैंड पहनाएंगे एंड देन दे टेक यू अहेड टू गिव यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। हम लोग अभी जस्ट आए तो लोग हमें पहले नाश्ता करवाने वाले हैं एंड यहाँ पे एवरी मील इज इंक्लूडेड। मतलब 3 टाइप का मील है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड योर इवनिंग स्नैक्स। सो यू गेट 3 टाइप का मील ओवर हियर। तो बिंदास यू जस्ट हैव टू फॉरगेट योर वॉलेट इन योर कार, बस आओ यहाँ पे और एंजॉय करो, वैसा टाइप का सीन है। सो दिस इज़ आर मेन स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है और यहाँ से बाद में फिर आगे आगे चल के वो सब हमें करवाने वाले अलग अलग एक्सपीरियंसेस एंड प्लस दिस इज लाइक अ फैमिली स्पॉट। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ बट आई विल सजेस्ट यू गाइस टू कम हियर विद योर फैमिली बिकॉज ये सब जगह ना एकदम हम लोग फैमिलीज के साथ ऐसे पिकनिक बहुत टाइम से नहीं मनाते, तो तुम यहाँ पे आके एकदम चिल कर सकते हो। खाना पीना भी सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है, तो बिंदास आके रह सकते हो, मतलब वैसा वाला सीन है। तेजस और सर का नाम है साहिल सर, तो हम दोनों आपके साथ रहने वाले, हम लोग पूरा दिन एंजॉय करेंगे, बहुत मजा करेंगे। ओके सो आर यू गाइस रेडी? यस। आर यू श्योर? यस। अटेंशन 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 अटेंशन, थम्स आउट थम्स आउट थम्स इन थम्स इन, एल्बोस अप एल्बोस अप एल्बोस डाउन, फीट अपार्ट नीज बेंड थम्स आउट थम्स आउट, जकूजा 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 जकूजा। वेरी गुड। तो हमारा मिशन ये है कि इस जंगल को आग से बचाना है और एनिमल्स को सेव करना है। तो ये कैसे करेंगे कि हम लोग अलग अलग जोन्स में जाएंगे, ओके, इस फॉरेस्ट के अलग अलग जोन्स में जाएंगे, अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे, ओके। तो आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीशन ऑफ एवरी टास्क हम एक एनिमल सेव करेंगे। ओके सो आर यू गाइस रेडी? यस यस। कौन है जो जंगल में ट्रैप होना चाहता है? कोई नहीं। तू कुछ बोल ही नहीं। यस। तो मुझे सेकंड कार्ड मिला है, बोनस कार्ड, क्योंकि मैंने पहला वाला स्क्रैच किया तो उसमें था पुट एन इंस्टाग्राम स्टोरी एंड गेट अ सेकंड कार्ड, तो मैंने वो डाली है तो ये सेकंड कार्ड मिला है। इसमें लिखा है कि डू अ मिरर एक्ट विद योर बेस्ट बडी, तो मैं इस मैडम को चूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कृष्णा को अगर मैंने चूज़ किया तो कृष्णा कुछ अतरंग ही करेगा और वो मैं नहीं कर पाऊंगा और ये कुछ ईजी करेगी, तो फिर ये दोनों कार्ड से मिले हुए। तो हमारा सेकेंड एक्सेस कमांडो ब्रिज और कमांडो ब्रिज की जैसा दिखता है, तो इसमें से क्रॉल करके हम लोग को ऊपर से चढ़ के नीचे उतरना है। सेकेंड बारी कृष्णा की है, मैं लास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले टास्क में फर्स्ट गया था। कम ऑन कृष्णा। What is it?
लाइक फेसबुक पेज एंड गेट अ बोनस कार्ड. ए यार दिस इज सो चीटिंग. ही इज गेटिंग दिस. ही हैज 4 कार्ड्स नाउ. वॉरियर्स वॉरियर्स. डिप्लॉय हमारा नेक्स्ट टास्क है. डिप्लॉय. ओके ओके. तो जब हम ये टॉवर के ऊपर चढ़ेंगे और टॉवर से ऊपर ऊपर से नीचे आते वक्त डिप्लॉय से नीचे आते वक्त आपको दो वाटर बॉम्ब्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेनिस बॉल्स. ओके ओके. तो आपको इस दोनों में सक्सेसफुली थ्रो करना. ओके ओके. जो सक्सेसफुली दोनों में प्लांट करेगा उसको दो एनिमल मिलेंगे. ओके मजा आने वाला है. तो ये टास्क देखने में जितना इजी लगता है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है. आई वॉज दी ओनली वन टू पुट द बॉल इन बोथ द बिन्स. और जब तुम जिपलाइन ऊपर से करते हो नीचे आते हो ना तो कुछ ऐसा नजारा दिखता है. और फिर हर टास्क के बाद जो हमें कार्ड्स मिल रहे थे उसमें हम अलग अलग टास्क करे जा रहे थे. नहीं समझ आ रहा है. अरे यार क्यों बोला यार क्रिश. एक दो तीन चार पाँच. तो यहाँ पर भी आपको दो एनिमल सेव करने का अपॉर्चुनिटी है. जैसे आप देख सकते हैं पहला एनिमल फॉक्स है. हाँ. दूसरा एनिमल मंकी है. हाँ. ओके. अब तक के जितने भी टास्क थे उसमें ये वाला सबसे अतरंगी टास्क था. इसका नाम था डीजी चैलेंज. और ये जितना इजी दिखता है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें एंड में जरूर मालूम पड़ेगा. क्या लूजर है. सिंपली आपको करना क्या है मिडल में पैर रख के चलना है. ओके. और जिसको एडवेंचर चाहिए वो कोने में पैर रख के अच्छा झूलेगा. ओके. जिसको एडवेंचर चाहिए वो कोने में पैर रख के चल सकता है. राइट. ओके. सो अभी जस्ट हमारा ब्रेक हुआ है और उन्होंने बोला कि 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, आपको जो कुछ करना है कर लो, उसके बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे. और ये ब्रेक में ना उन्होंने बोला अगर आपको बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जो भी खेलना है आप खेल सकते हो. प्लस आई लव द वाइब ओवर हियर, आई लव द पीपल ओवर हियर, दे आर सो डैम गुड. हम लोग तीन जन ही हैं फिलहाल के लिए क्योंकि हम लोग एकदम ऑड टाइम पे आ गए, बट इट्स सुपर फन. हम लोग को ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम लोग बस तीन जन हैं. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और वी आर कम एब्सोल्युटली एंजॉय आर सेल्फ. तो अगर तुम लोग ये देख रहे हो और अभी तक तुम लोग ने प्लान नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी अपने फैमिली का हेड काउंट लो और जल्दी से इनको कॉल करो और बुकिंग कर दो, बिकॉज यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय इट एब्सोल्युटली दैट अमेजिंग. तो गाइस अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है कमांडो नेट का एरिया. और ये जो दिख रहा है तुम्हें इतना बड़ा सा, वो चढ़ के जाना है. बट जितना ईजी दिखता है ना उतना ईजी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो नेट तुम्हारे नीज पे ना लगता है अच्छा खासा. इनिशियली इजी लगता है बट थोड़ा टफ है. और मेरे को एक और बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ किए ना वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इको फ्रेंडली बिकॉज दे आर विद इन द नेचर. तो उन्होंने बहुत अच्छे मेजर्स लिए. इन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट वुड का ही यूज़ किया है, अनलेस इट्स सम सेफ्टी प्रिकॉशन तो मेटल या वैसा कुछ यूज़ किया है, नहीं तो बाकी सब कुछ वुड का है. तो बिग 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 थम्स अप फॉर दैट. ओके सो वॉरियर रेडी. यस रेडी. यस एनिमल सेव करेंगे. यस यस. हू फर्स्ट? राम फर्स्ट. ओके वेरी गुड वेरी गुड.
बड़ी करारी, भलैया बड़ी करारी, भलैया चुलबुल वाली, भलैया चुलबुल वाली, पीछे से पापा बोले, पीछे से पापा बोले, वो बेटा है मेरा हीरो, वो बेटा है मेरा हीरो, वो बेटा नाम कमाना, बेटा नाम कमाना, झंडा गाड़ के आना, झंडा गाड़ के आना, हम सब जीत गए। मंकी खेल रहे हैं और मैं अभी डाइव लेने वाला हूँ और ये लोग सब भागने वाले हैं। इनका टास्क है ये बॉटल छुपाना, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। वेयर इज माय मंकी? वेयर इज माय मंकी? सॉरी स्लो मुड़ूंगा। वेयर इज माय मंकी? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैंपिंग एरियाज है, कैंपिंग एरियाज नहीं बोलना चाहता हूँ, एडवेंचर एरियाज है जहाँ पे वो सब जाते हैं, हमें लेके चलते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर है, मेज है अभी। ओके बताओ 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 क्या करना है? तो इट्स अ मैजिकल मेज, ये एक छोटा सा भूलभुलैया है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आपको ये बेबी एलिफेंट को लेके जाना है ओके। और वहाँ पे लास्ट में एग्जिट पॉइंट है, ठीक है ओके। सो यू आर नेक्स्ट। चलो भाई ओके, टू थ्री गो। यस यस अंदर। याद है मैंने कहा था ये डिजी चैलेंज बहुत ही डिफिकल्ट है, ये देख लो मैं क्यों कह रहा था वैसे। क्या लूजर है। और जब भी ब्रेक होता है आप यहाँ पे क्रिकेट, बैडमिंटन या बोर्ड गेम्स भी खेल सकते हो। सो हमारा खाना भी लग गया है और ये हमारे शेफ है। शेफ बताओ आज क्या है खाने में? छोटे सलाड़े, चपाती, राइस। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। राइस, ओहो हो हो, दाल जैसे छोले, छोले भाजी, मिक्स वेज, नाइस एंड स्वीट सेवा खीर। अरे वाह, तो चलो अभी खाने की बारी आते हैं, पेट पूजा करते हैं फिर बाकी के टास्क कर लेंगे। तो फर्स्ट इज क्रॉस टू द वेट फील्ड, ओके ओके, कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेट फील्ड एंड देन लॉन्च द वाटर बॉक्स। ओके अब लास्ट के तीन इम्पोर्टेंट गेम्स बचे थे। सबसे पहले हमें दो बोर्ड्स की हेल्प लेके आगे बढ़ना था और आगे बढ़ के हमें वाटर कलेक्ट करना शुरू करना था। तो वाटर कलेक्शन में प्रॉब्लम ये था कि जो कंटेनर दिया था उसमें होल्स थे, हमें वो कैसे वैसे तो बचा के पानी लेके जाके बकेट में भरना था, हमने वो किया और फिर बलून फिल करना शुरू कर दिया। बट हम में से किसी को भी बलून ट्राई करना नहीं आता था, तो लकीली उन्होंने हमें उसके साथ हेल्प की। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बाद में ये बलून्स को हमें जंगल की तरफ एम करना था। टग ऑफ वॉर जब एक ग्रुप में कर रहे थे तब मैं हारा, मेरी टीम हारी, बट ये लोग जीत रहे थे। तो अभी जब इंडिविजुअल आएंगे ना तभी देखते हैं कौन जीतता है। इशारा मत कर, देख अच्छा। तो देखो गाइस, इस लूजर को हराने के बाद इसने इतना दिल पे ले लिया, उसने अपनी उंगली ही काट ली। रोप इसके टाइम पे क्या हो, रोप क्या बोलते हैं इसको, टग ऑफ वॉर। हाँ, टग ऑफ वॉर के टाइम पे। बट एडवेंचर से बिना ऐसे हाथ वाथ कुछ लगवाए होता है क्या? बस खुश है आज कृष्णा, उसका एडवेंचर पूरा हो गया। एडवेंचर यही होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये लोग है ना खिला खिला के मारने वाले, जितना कैलोरीज इन्होंने बर्न करवाया ना सब खिला रहे। अभी मस्त लास्ट स्नैक ऑफ द डे इज बटाटा भाजी एंड कांदा भाजी विद टैंग, ये पीता हूँ, थोड़ी एनर्जी देता हूँ और
फिर घर की ओर निकलते हैं. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, अ लॉट ऑफ फन. बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो हमारी सारी एक्टिविटीज करके अभी कंप्लीट हो गई है और मैंने तो बहुत ही ज्यादा वाला एंजॉय किया. सबसे बेस्ट चीज जो आज मैंने की है ना वो है ज़िपलाइन एंड रॉक क्लाइंबिंग. मतलब ये चीज़ें करने के लिए ही मैं स्पेशली यहाँ पे आया था एंड आई कम्प्लीटली एंजॉयड इट. स्पेशली द रॉक स्टार्स हु वर हेल्पिंग मी विथ एवरीथिंग, डैम दे वर सो गुड. मतलब उन्होंने ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं कराएगा कि आपको एक सेकंड के लिए भी बोरिंग नहीं लगेगा. इतना ज़्यादा वो लोग आपसे यू नो आपको एंगेज रखते हैं वो सब करने में एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन भाई. यहाँ पे तेजस है, यहाँ पे साहिल है जो आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे. प्लस यू गेट टू टेक दीज होम, दीज कार्ड्स विच वी कलेक्टेड. मैंने 12 कलेक्ट किए, कृष्णा ने 14 कलेक्ट किए और कनन ने 11 कलेक्ट किए. तो ऐसे हमने कार्ड्स कलेक्ट किए और 10 के ऊपर अगर आप कार्ड कलेक्ट करते हो बेसिकली इट मीन्स कि आप सब ने मिलकर फॉरेस्ट बचा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग राइट. तो भाई बिग 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 थम्स अप, बहुत बहुत मज़ा आ गया वो सब करके. एंड आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू टू कम हियर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज जितना बड़ा तुम्हारा ग्रुप होगा ना उतना ही ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा एक्टिविटीज़ करने में. स्पेशली ये जो एंड वाला टास्क था जो हमने किया, मतलब वो जितना बड़ा तुम्हारा ग्रुप होगा ना उतना तुम्हारे लिए एक्साइटमेंट डबल हो जाएगा. तो भाई अपना एक बड़ा सा ग्रुप बनाओ, बीट फैमिली और बीट योर फ्रेंड्स और इधर आओ, जल्दी से इधर आओ. मैं नीचे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ तो वो ज़रूर चेक कर लेना. रॉकस्पोर्ट ठाणे ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है, लाइक ठाणे से हमें मैक्सिमम 45 मिनट्स लग गए बस यहाँ पे पहुँचने के लिए और एकदम स्मूथ है. तुम सुबह सुबह निकलोगे तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा तुम कब यहाँ पे पहुँच गए. बहुत अच्छा नज़ारा है, एवरीथिंग इज़ रियली गुड, रियली रियली गुड. आई एब्सोल्युटली एन्जॉयड माई डे ओवर हियर, मतलब मज़ा आ गया. एंड इसी नोट पे आई होप यू लाइक दिस वीडियो, टू गेट अ बिग 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 थम्स अप एंड सब्सक्राइब इफ यू स्टिल हैवंट. और अगर अभी तक आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर जाके चेक करना और नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा देना क्योंकि आगे भी बहुत सारी तगड़ी और ऐसी एक्साइटमेंट भरी वाली चीज़ें आने वाली है. तो ज़रूर वो कर लेना क्योंकि उसी से तुमको अपडेट्स मिलती रहेंगी राइट. मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक घूमो नाचो खाओ मस्ती में रहो. मिलते हैं अगले वीडियो में और जल्दी से यहाँ का प्लान करो गाइस क्योंकि दिस इज़ लाइक द बेस्ट एडवेंचर प्लेस एवर. मिलते हैं अगले वीडियो में.